कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में हमने दो श्लोक देखे थे। इन दोनों श्लोक में बस एक चीज हमने ध्यान दी थी कि जो संधान है उसकी परिभाषा बताई गई थी, चिर कालास्थितम को ध्यान रखना था। लंबे समय तक रखने के बाद किसी भी लिक्विड को, चाहे एलोन केवल लिक्विड ही रख दिया जाए या फिर उसमें कोई भेषज या अन्य द्रव्य रखा जाए, उसी को संधान कहते हैं। उसको हम लोग प्रोसीजर जनरल जानने की कोशिश किए थे आसावरिष्ट के रेफरेंस में, कि अगर पानी में केवल घोल के और कुछ उसमें मीठी चीज मिला के, जिसमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट हो ऐसी चीज मिला के उसमें फर्मेंटर्स कुछ डालते हैं, जैसे धात की मधुकोष या दोनों, इनको मिला के कुछ दिन तक रख देते हैं, तो जो सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल होता है वही आसव या अरिष्ट होता है। अगर वो डिकॉक्शन में यूज किया गया है तो अरिष्ट होगा, अगर बिना अग्नि के संयोग के प्रयुक्त किया गया है तो वो आसव होगा। आसव अरिष्ट में यह अंतर आचार्य सारंगधर ने बताया भी था, यद अपक्व औषधम दुभ्याम सिद्धम मध्यम सात्वा अरिष्ठा क्वाथ साध्या, इसको हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हमने कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट देखा था फर्मेंटेशन का, कैसे शुगर या कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटर्स की प्रेजेंस में और एनारोबिक कंडीशंस में, जो फर्मेंटर्स होते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या होते हैं। एल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, अगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है जहाँ पे उसको मध्य कल्पना बोलते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है वहाँ उसको सुप्त कल्पना बोलते हैं। फिर हमने थोड़ा ग्लाइकोलिसिस से कोरिलेट करके देखने की कोशिश की थी, कैसे पाइरुवेट से इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड फर्दर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, वहां तक कैसे ये रिएक्शंस होती हैं। फिर हमने बुक के माध्यम से कुछ 11 हेडिंग याद करने की कोशिश की थी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिखने के लिए। ये 11 हेडिंग्स हमें बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली है वानस्पतिक द्रव्य, दूसरी है क्वाथ निर्माण, तीसरा है क्वाथ के लिए जल, चौथा है संधान पात्र, पांचवा है संधान योग्य स्थान, छठवां है संधान हेतु अनुकूल वातावरण, सातवां है क्वाथ आदि में मधुर द्रव्यों का मिश्रण, आठवां है सुगंधित द्रव्यों का मिश्रण, नौवां है संधान काल, दसवां है खनिज द्रव्यों का मिश्रण, और ग्यारहवां है संधान परीक्षण। किसी कोई प्रॉब्लम हो रही क्या बीच में? तो इस तरह से ये 11 हेडिंग्स जो हैं इसको हमें ध्यान रखना था। आवाज सब फ्लक्चुएट हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, यहाँ तो सब कुछ सही है। इसके अलावा हमने कुछ 8 हेडिंग तक इसको देख लिया था। फिर अब आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। हम लोग को मेन आज देखना है कि फर्मेंटर्स क्या होते हैं। इसमें एक टर्म फर्मेंटर्स आया था, जो फर्मेंटेशन को प्रमोट करने वाले कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, वो सारे फर्मेंटर्स होते हैं। और आयुर्वेद में फर्मेंटर्स का क्या रोल है और कैसे आचार्यों ने आज से हजारों साल पहले ये सारा जो मॉडर्न साइंस का नॉलेज नहीं, केवल जो पदार्थ विज्ञान का ज्ञान है, जो आधारभूत सिद्धांत है आयुर्वेद के, उनके आधार पर इन नियमों की कल्पना की होगी, वो कितने ऑथेंटिक होते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, यही चीजें आज की क्लास में हम लोग को देखना है। तो इस क्लास को देखने के लिए अगर किसी को कोई आवाज की प्रॉब्लम हो तो बता देगा। क्लासिफिकेशन ऑफ संधान कल्पना अगर देखें, संधान कल्पना का जो क्लासिफिकेशन है वो दो मेनली दो बेसिस पे किया जा सकता है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल लिया गया है उसका सोर्स क्या है, किस पार्ट से लिया गया है, उसके आधार पे जो संधान कल्पनाएं हैं वो 9 आसव योनिया उनको बोलते हैं, जो 9 सोर्स आचार्य चरक ने सूत्र 25 में बताया हुआ है। वहां पे कहा है धान्य से बन सकता है, अगर धान्य यूज हो रहा है, फल यूज हो रहा है तो फल आसव बोला है, मूल यूज हो रहा है, सार, पुष्प, कांड, पत्र, त्वक और सरकरा, इन 9 सोर्सेस से बताया है कि अलग अलग आसव बनते हैं। बहुत सारे वहां पे जब हम लोग देखेंगे चरक संहिता सूत्र स्थान में, तो वहां पे आचार्य चरक ने बताया हुआ है कि जो आसव होते हैं
जो जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है उसको उन्होंने आसव संज्ञा दी है, जो भी संधान से बनता है उसको आसव कहा है। तो आसव जो होते हैं वो अपरिसंख्य होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन उनमें से 84 आसव बताए उन्होंने जो पथ्यतम आसव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पथ्यतम आसव कितने होते हैं, 84 आंसर होता है। कुल आसव कितने होते हैं या आसव कितने होते हैं आचार्य के अनुसार, अपरिसंख्य, अनलिमिटेड है। मतलब जितना आप ड्रग्स चेंज करते जाएंगे उसके बेसिस पे नंबर ऑफ आसव इंक्रीज होते जाएंगे। और जो 84 आसव है, उन 84 आसव जो पथ्यतम आसव कहा है आचार्य ने, उन 84 आसव के 9 मेन सोर्स होते हैं, इन्हीं को 9 आसव योनिया कहा है। ये योनिया याद रखना है, धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, कांड, पत्र, त्वक और शर्करा। चरक में भी इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगर दूसरा बेसिस हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है इस पर हम लोग देख चुके हैं एल्कोहलिक बन रहा है या एसिडिक बन रहा है। अगर एल्कोहलिक सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल है उसमें तो वो मध्य कल्पना कहा जाएगा, अगर वो सेल्फ जनरेटेड एसिड है तो उसको सुप्त कल्पना कहेंगे। मध्य कल्पना में जैसे आसव अरिष्ट, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेसिस पे डिवीजन है। आसव अरिष्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख चुके हैं। इसके अलावा जो सुरा, सीधु, वारिणी, मैरेयक, ये सारी चीजें क्या होती है आगे हम लोग क्लासेस में देखेंगे, लेकिन ये जो नाम होते हैं ये सब अधिकतर जो अन्न होता है अन्न के संधान से बनते हैं। सुरा, सीधु, वारुणी, मैरेयक। सुरा में जब सुरा निर्माण हम लोग पढ़ेंगे वहां देखेंगे लेयर्स डिपॉजिट होती हैं, अलग अलग लेयर्स प्रिपेयर होती हैं, उन लेयर्स को क्लासिफाई किया गया है सुरा को। प्रसन्ना, कादंबरी, जगल, मेदक, वक्कस, ये सारे शायद आपके लिए नए नाम हो इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है, और कौन सा कहाँ पे आ रहा है ये ध्यान रखना जरूरी है। आसव अरिष्ट जनरली हम लोग सुने रहते हैं, लेकिन सुरा, सीधु, वारुणी और मैरेयक इसको ध्यान रखना है। और सुरा में प्रसन्ना, कादंबरी, जगल, मेदक और वक्कस, ये नाम याद रखने और इसी क्रम में याद रखने हैं, क्योंकि जब ये सुरा निर्माण में डिपोजिशन होता है लेयर्स का, ये लेयर्स बनती हैं, तो इसी क्रम में ये लेयर्स बनती हैं। हम लोग आगे सुरा के टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, प्रसन्ना, कादंबरी, जगल, मेदक और वक्कस, इसको ध्यान रखना है। जो सुक्त कल्पना है, उस सुक्त कल्पना में सुक्त, चुक्र, कुशोदक, सिंडाकी, सौवीरक, कांजी, आरनाल, धान्याम, इसको याद रखना है। सुक्त इसके अलावा भी बहुत सारी होते हैं, लेकिन इतने नाम याद रखने, ये सारे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे, ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनका क्या गुण है। तो बस ये ध्यान रखना है, ये सुक्त कल्पना में एसिडिक सेल्फ जनरेटेड एसिड्स होते हैं इनमें। सुक्त, सुक्त कल्पना में सुक्त पहला है, सुक्त दूसरा चुक्र है, तीसरा सुशोधक है, चौथा सिंडाकी है, पांचवा सौवीरक है, छठवां कांजी है, सातवां अरनाल है, आठवां धान्याम्ल है। इसके अलावा भी और होते हैं लेकिन आठ नाम हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। इसके अलावा फर्मेंटर्स की बात अगर करें हम लोग, फर्मेंटर्स की बात करें तो टू प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए कंट्रोल और एनवायरमेंट, मतलब जो टेम्परेचर चाहिए, जो मॉइस्चर चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारा जो प्रोवाइड करे वो है फर्मेंटर। दूसरी इसकी डिफाइन है, डिफाइंड मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स टू ऑब्टेन अ डिजायर प्रोडक्ट, जो फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट हमें चाहिए उसके हिसाब से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने देखा था कि कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं जिनमें एल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है, सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल बनता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ जनरेटेड एसिड बनता है। उसमें भी होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक देखा था, होमोलैक्टिक में केवल लैक्टिक एसिड ही फॉर्म होता था, हेट्रोलैक्टिक में उसके साथ में अल्कोहल भी फॉर्म होता था। तो जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का जो मिक्सचर है, ईस्ट और बैक्टीरिया जनरली होते हैं, उनको जो है फर्मेंटर्स बोलते हैं। इनमें जो माइक्रोब्स हैं, ईस्ट और बैक्टीरिया होते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इसमें यूज किया जाता है, और मोस्ट कॉमनली यूज बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस और एसिडोबैक्टर्स होते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो ईस्ट होता है जनरली ये हम लोग यूज करते हैं टू प्रमोट द फर्मेंटेशन,
अगर इसके बिना हम जो आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शंस हैं धातु की या फिर मधु पुष्प इन सब से, तो उसके अलावा अगर हम लोग अलग से एक्स्ट्रा ईस्ट उसमें डाल देते हैं तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस और जल्दी हो जाता है, इसलिए ये प्रमोट करते हैं इसको। ये लाइंस कहाँ से आ जा रही हैं? आयुर्वेद में जैसे धातुकी, मधुक, सुरा बीज, पूक फल, बदर इन सब का यूज किया था। जनरली धातुकी और मधुक का यूज करते हैं। सुरा बीज जो सुरा निर्माण में नीचे की लेयर होती है उसको सुरा बीज बोलते हैं, वो फर्मेंटर का काम करता है। आगे हम लोग देखेंगे सुरा बीज के बारे में। पूक फल और बदर ये दोनों बहुत ही रेयरली यूज किए जाते हैं। अप टू 40% शुगर होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है आसव अरिष्ट निर्माण के लिए कि अगर उसमें 40% तक अगर शुगर किसी सॉल्यूशन में होता है तो वहां पे कुछ ईस्ट ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा होता है अप टू 60-70% शुगर हो जाता है तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस हम जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का होगा तो सेल के अंदर से जो वाटर है वो सेल के बाहर जाएगा, इसी को एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसके कारण सेल जो है श्रिंक करके डेथ हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह जो ईस्ट या बैक्टीरिया होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए हाईली कंसंट्रेटेड जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है, कंटेमिनेशन के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए जब हम लोग अचार बनाते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा रखते हैं, स्पेशली सॉल्ट की, नमक ज्यादा डाल देते हैं, कहते हैं खराब नहीं होगा। या फिर जैम बनाते हैं उस जैम में शुगर कंसंट्रेशन ज्यादा रखते हैं। सिरप जब हम लोग बनाते हैं उसमें भी शुगर कंसंट्रेशन जनरली ज्यादा रखते हैं, ये इसलिए करते हैं कि खराब ना हो। लेकिन अब फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए हमें माइक्रोब्स चाहिए, हमें ईस्ट या बैक्टीरिया चाहिए होगा, तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम में वो माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाएगा और फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और कमाल की बात यह है कि जो आयुर्वेद में रेफरेंसेस जितने मिलते हैं, चरक सुश्रुत से लेकर के सारंगधर और भैसर रत्नावली तक, सभी रेफरेंसेज में जो स्वीटनर्स होते हैं वो 39.06% तक मैक्सिमम यूज किया जाता है। उसमें जो गुड़, चीनी ये सब मिलाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो जितनी भी शुगर्स बनती है वो 39.06% मैक्सिमम है इनिशियली। मींस पहले इतना डालते हैं फिर फर्मेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फर्मेंटेशन होने के बाद लास्ट में बाकी जो स्वीटनर्स होते हैं उसको प्रक्षेप के फॉर्म में डालने के लिए बोला गया, जैसे मधु वगैरह बाद में डालते हैं। अगर शुरू में ये डाल दें तो शायद फर्मेंटेशन ना हो पाए, क्योंकि ये कंसंट्रेशन 60-70% से ज्यादा हो जाएगी या उस लिमिट में आ जाएगी जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ प्रोहिबिट हो जाएगी, और इस तरह से अगर ईस्ट नहीं रहेगा, वो फर्मेंटर नहीं रहेगा, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो ये आचार्यों का जो भी हो ज्ञान, ये गुड़ ज्ञान था वहां पे, और बहुत ही लॉजिकल है कि शुरू में क्यों स्वीटनर्स कंसंट्रेशन कम होती है और बाद में जब फर्मेंटेशन संधान कर्म खत्म हो जाता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य के रूप में बाकी स्वीटनर्स को मिलाने के लिए कहा है। अगर शुरू में ही सारे स्वीटनर्स मिला देंगे तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ईस्ट फाउंड इन धातुकी पुष्प, जो धातुकी पुष्प है, रिसर्चर ये भी कहते हैं साइक्रोमाइसिस स्पीसीज के बहुत सारे ईस्ट इस धातुकी पुष्प में पाए जाते हैं, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। साइक्रोमाइसिस स्पीसीज के बहुत सारे स्पीसी जो है ईस्ट धातुकी पुष्प पे पाए जाते हैं, शायद इसीलिए आचार्यों ने जितने भी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं उसमें अधिकतर में या तो धातुकी पुष्प या मधुक पुष्प या दोनों जरूर यूज किया है। तो ये बहुत रिलेवेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जहाँ तक है सभी लोग समझ चुके होंगे कि 40% शुगर और 60-70% शुगर का क्या मैटर है। अब हम लोग थोड़ा कुछ रिसर्च के बेसिस पे अगर देखें, रिसर्च पेपर के बेसिस पे अगर देखें, तो धातुकी पुष्प से रिलेटेड कुछ रिसर्च आर्टिकल्स हैं बहुत ही अच्छे जर्नल्स में, जैसे एंशियंट साइंस ऑफ लाइफ एक अच्छा जर्नल है, इसमें ये आर्टिकल जो है प्रिपरेशन ऑफ अर्जुनारिस्ट यूजिंग माइक्रोब्स आइसोलेटेड फ्रॉम वुडफोर्डिया प्रोटिकोजा। हम जानते हैं वुडफोर्डिया प्रोटिकोजा धातुकी का नाम है, इसके फूल से पुष्प से अर्जुनारिस्ट बनाया गया वो अलग की बात है, बट
इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये रिसर्च पेपर ये वेरीफाई कर रहा है कि जो धातुकी के पुष्प होते हैं उनमें ईस्ट पाए जाते हैं, माइक्रोब्स आइसोलेटेड, मीन्स कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि इनमें माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ये इस रिसर्च पेपर से क्लियर है। अगला, ये जो रिसर्च पेपर है इसमें हम देख सकते हैं कि रेलेवेंस ऑफ धातुकी फ्लावर इन फर्मेंटेशन प्रोसीजर फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी। इसका अगर कंक्लूजन हम देखें तो कंक्लूजन में कहा गया है धातुकी ड्राइड फ्लावर्स वर यूज्ड एज अ वैल्यूएबल सोर्स, मींस धातुकी पुष्प हमेशा शुष्क, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि धातुकी पुष्प जो मृदु द्रव्य है उनको सुखा के ऐसे ही डाल देते हैं, क्रश नहीं करते हैं। तो उसकी रिलेवेंस यहाँ पे इस रिसर्च पेपर में दिखाई गई है। इसको ध्यान से समझेंगे कि जो ड्राई फ्लावर्स है, अगर इसके कंक्लूजन में हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी हैज शोन दैट ड्राई फ्लावर्स ऑफ धातुकी हैव इनडेफिनेट नंबर ऑफ ईस्ट सेल कॉलोनीज। तो जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं उनमें ईस्ट सेल कॉलोनीज होते हैं और ये वही सैक्रोमाइसिस सर्विसी ईस्ट होते हैं जो गुड फर्मेंटर्स होते हैं देन दैट ऑफ फ्रेश फ्लावर। और ये दूसरा पॉइंट है कि फ्रेश फ्लावर की अपेक्षा जो ड्राई फ्लावर्स हैं उनमें ये कॉलोनी ज्यादा है, इसीलिए शायद आचार्यों ने कहा है कि हमेशा धातुकी पुष्प को या मधु पुष्प को सुखा कर यूज करना है, फ्रेश फ्लावर को यूज नहीं करना है। तो केवल ये चीज बताने के लिए ये रिसर्च पेपर मैंने आपको दिखाया है। तो जिन जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो पूरा रिसर्च पेपर ये पढ़ सकते हैं, रेफरेंस यहाँ पे है, आपके पास गूगल है, वहां से आप निकाल सकते हैं इस रिसर्च पेपर को। एक ये रिसर्च पेपर इसी तरह का, ये मधुका इंडिका, मधुका इंडिका मधु पुष्प महुआ जिसको बोलते हैं, इसमें भी जो ड्राई फ्लावर्स हैं वो यूज किए जाते हैं और इनमें जो फर्मेंटर्स होते हैं उनका क्वांटिटी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू फ्रेश फ्लावर्स, इसीलिए इनको भी यूज किया जाता है। तो ये एक रिसर्च पेपर जो मधु से रिलेटेड है वो आपको दिखा दिया। एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे इस रिसर्च पेपर में अगर हम देखें, जर्नल ऑफ इथेनोफार्माकोलॉजी का रिसर्च आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि ईस्ट फ्रॉम धातुकी पुष्प इंप्रूव्स हिपाइटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ अश्वगंधा रिस्ट। अश्वगंधा रिस्ट क्या होता है वो आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन हिपाइटो प्रोटेक्टिव का मतलब होता है जो लीवर, हिपेटिक मींस लीवर, लीवर सेल्स का को प्रोटेक्ट करता है, हिपाइटोसाइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है, तो वो प्रॉपर्टी धातुकी पुष्प बढ़ाता है। इसका अगर कंक्लूजन हम लोग देखें तो इसके कंक्लूजन में, इस रिसर्च आर्टिकल के कंक्लूजन में लिखा हुआ है कंसोर्सियम ऑफ ईस्ट फ्रॉम उटफोर्डिया फ्रूटिकोजा। तो इस पॉइंट से ये पता लगता है कि उटफोर्डिया फ्रूटिकोजा में ईस्ट कॉलोनीज होती हैं, फिर से ये वेरीफाई होता है। फ्लावर्स शोड बेटर फर्मेंटेशन पैटर्न फॉर अश्वगंधा रिस्ट प्रोड्यूस्ड विद एक्सेप्टेबल ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो जिसको नहीं समझ आ रहा बहुत परेशान नहीं होगा, बस ये जान लेगा कि धातुकी पुष्प यूज किया है जो आचार्यों ने, उसको आज की रिसर्च भी वेरीफाई करती है, जो आज के टाइम के रिसर्च है वेरीफाई करती है आचार्यों के उस कॉन्सेप्ट को। बस केवल ये दिखाने के लिए ये रिसर्च पेपर्स दिखाएं, जिसको डिटेल जानना होगा इस रिसर्च पेपर को देखेगा। अब जरा बुक देखते हैं। अपने बुक में अगर देखें तो हम लोग संधान काल की बात कर रहे थे, संधान काल जनरली 15 से 20 दिन या 30 दिन का होता है। बसंत और शरद ऋतु में आशावरिष्ठ का निर्माण करना ज्यादा बेटर बताया गया है। क्यों? इस समय जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही एडोप्टेबल होता है उन माइक्रोब्स के लिए जिनके कारण फर्मेंटेशन प्रोसेस इनहांस होता है, जो फर्मेंटर्स होते हैं उनके लिए अच्छा एनवायरमेंट रहता है, इसलिए संधान काल बसंत और शरद ऋतु में जनरली करते हैं। अगर इनमें खनिज द्रव्य या भस्म मिलाना है, खनिज द्रव्य या भस्म अगर इनमें मिलाना है तो संधान जब समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मिलाते हैं। इसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन नापने के लिए अल्कोहल मीटर आता है, उसमें 0 से 100 तक रीडिंग रहती है और वहां से हम लोग इसको माप लेते हैं। अल्कोहल कंसंट्रेशन के बारे में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाले और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 में हमने पढ़ा था कि 12% से ज्यादा अल्कोहल किसी में नहीं हो पाए होना चाहिए किसी आशावरिष्ठ में। जनरली 5 से 15% तक अल्कोहल होता है आशावरिष्ठ में, लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल
1945 में 12% लिमिट बताई गई एक्सेप्ट दो आसव। दो आसव ऐसे हैं, दो प्रिपरेशन ऐसे हैं जिनमें 16% तक एल्कोहल अलाउड है। कौन कौन सा है? मृत संजीवनी सुरा और महाद्राक्षासव। तो ये दोनों नाम हमें ध्यान रखने हैं, महाद्राक्षासव और मृत संजीवनी सुरा, इन दोनों में 16% तक एल्कोहल हो सकता है। इसके अलावा कोई भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हो उसमें 12% से ज्यादा एल्कोहल एक्सेप्टेबल नहीं है। संधान का जो परीक्षा करते हैं फर्मेंटेशन हुआ या नहीं, कल इस पे बात भी हुई थी कुछ, कि अगर एक तो उससे जब तक फर्मेंटेशन की प्रोसीजर होगी तब तक उसमें CO2 रिलीज होती रहेगी। हमने देखा था रिएक्शन में CO2 निकल रही थी, और CO2 निकलेगी तो बुलबुले की आवाज, सन सन की आवाज उसमें आती है। जब हम लोग संधान के बर्तन में कान लगा के ध्यान से सुनते हैं तो सन सन की आवाज आती रहती है, इसका मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही, क्लियरली विजिबल होते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, उसको देखेंगे प्रैक्टिकल में। दूसरा हमने बताया था कि जब CO2 जब तक रिलीज हो रही है, अगर जलती हुई माचिस की तीली उसके पास ले जाए तो वो बुझ जाएगी, क्योंकि जो आग होती है जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, CO2 से बुझती है और ऑक्सीजन से जलती है। इसलिए यू सक्सेना कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, वो दो एक्सेप्शंस एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। एक्सेप्शन ड्रैगन कॉस्मेटिक रूल वाले में भी बोल चुके हैं, मृत संजीवनी सुरा और महाद्राक्षासव। मृत संजीवनी सुरा और महाद्राक्षासव दो ऐसे आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं जिनको 16% तक अल्कोहल लिमिट की छूट मिली हुई है। इसके अलावा जितने भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं सब में मैक्सिमम 12% अल्कोहल ही एक्सेप्टेबल है। जलती हुई माचिस तीली पे बात कर रहे थे हम लोग, कि अगर ये माचिस तीली ले जाएंगे और फर्मेंटेशन प्रोसीजर हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, CO2 के कारण वो तीली बुझ जाएगी। तो अगर हम तीली जलती हुई ले जाएं, अपने आप उसके पात्र के मुंह पे पहुंचने के बाद बुझ जाए, इसका मतलब CO2 रिलीज हो रही है, इसका मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंटिन्यू। अगर ये बुझना बंद हो जाए कुछ दिन बाद, जब हम लोग देखेंगे 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये बुझना बंद हो गई अगर, तो इसका मतलब फर्मेंटेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, अब CO2 निकलना बंद हो गए। तो एक परीक्षा ये भी है। तीसरा एक टेस्ट लाइम वाटर टेस्ट होता है, जो हम लोग बचपन से प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री के लैब में करते आ रहे होंगे, कि अगर लाइम वाटर जो चूर्णोदक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें CO2 मिल जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण उसका जो सोल्यूशन का कलर है वो मिल्की वाइट हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग कर सकते हैं इसमें चेक करने के लिए कि CO2 रिलीज हो रही है या नहीं। अगर हम लोग लाइम वाटर जिसको चूर्णोदक हम लोग बनाए हुए थे, चूर्णोदक रखें और एक नली ट्यूब लेकर के उसका एक सिरा पात्र के मुंह पे लगा दें और दूसरा उस चूर्णोदक में डाल दें, तो अगर उससे CO2 निकलेगा जाके चूर्णोदक में, वो CO2 जाएगी तो CO2 चूर्णोदक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है वो वाटर से रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण वो उसका कलर जो है बिल्कुल व्हाइट, मिल्की व्हाइट हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाता है जो सोल्यूशन का कलर है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे दूधिया हो गया तो CO2 आ रही है, CO2 आ रही मतलब फर्मेंटेशन हो रहा है। और फर्मेंटेशन संधान की प्रक्रिया अगर पूरी हो गई जब, उसके बाद CO2 निकलना बंद हो जाएगा और फिर ये कलर कन्वर्जन नहीं होगा। तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि फर्मेंटेशन की प्रोसीजर कंप्लीट हो गई है। तो ये सारी परीक्षाएं हैं। अगर आशा वरिष्ठ को एक वर्ष बाद प्रयोग जनरली लाते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसको छान के रख लेते हैं, छानने के बाद जो है एक वर्ष तक, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आधार याद किया था वहां पे, आसव धातु भस्म और रस औषधि, ये जितनी पुरानी उतने अच्छे हों, आचार्य सारंगधर ने बताया था सवीरता अवधि वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो आसव अरे जितने पुराने उतने अच्छे हों, हालांकि AFI और ड्रैगन कॉस्मेटिक रूल उसको 10 ईयर के लिए प्रतिबंधित करता है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको एक साल बाद यूज करना शुरू करते हैं, एकदम नया नया यूज नहीं करते हैं। और आसव से रिलेटेड जो आचार्यों ने कहा है, आसव का मतलब है आसुए निष्पाद्यते, सुए अभिशवे धातु से बनता है आसुए निष्पाद्यते। इसका मतलब ये होता है जिसको संधान से बनाए, जिसको फर्मेंटेशन से बनाया जाए उसे आसव कहा है। तो जो निरुक्ति की बात करें तो आसव का मतलब आल फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होता है, लेकिन स्पेसिफाई जो सारंगधर ने आसव बनाने की विधि बता दी है वहां से आसव केवल एल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है।
तो आसव का एक ब्रॉड मीनिंग भी है, जितने फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के लिए आसव की संज्ञा होती है। यही हम लोगों ने जब वैदिक काल में भैंसा जी कल्पना पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था कि आसव का अर्थ सभी संधान कल्पनाओं से लिया गया है, केवल इसी निरुक्ति के आधार पे है, सुई अभिशवे या आसुई निष्पाद्यते से बना है। इसको चरक ने जो डिफाइन किया है, एसाम आसवा नाम आसुतत्वात आसव संज्ञा, क्योंकि ये संधान से बनता है इसलिए इसको आसव कहा गया है। चरक की डिफिनेशन ये है कि जो भी फर्मेंटेशन से बनेगा उसको आसव कहेंगे। आचार्य सारंगधर ने इसको अलग किया है, जो हम लोग कल की क्लास में पढ़े हुए थे, यद अपक्व औषधाम्बुभ्याम सिद्धम मध्यम सासवा, जो अपक को बिना पकाए हुए औषधियों को बिना पकाए हुए संधान करने से बनता है उसको आसव कहा है। ये आसव और अरिष्ट में अंतर आचार्य सारंगधर ने बताया है। ये क्वेश्चन कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आसव और अरिष्ट का अंतर सबसे पहले किस आचार्य ने बताया। तो 13वीं शताब्दी में आचार्य सारंगधर थे, तब ये आसव अरिष्ट का अंतर बताया गया। उसके पहले तक जो आसव अरिष्ट या जितने भी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट थे सबको आसव संज्ञा ही दी जा रही थी, बहुत स्पष्ट भेद नहीं था आसव और अरिष्ट में। हालांकि डिस्क्रिप्शन अलग अलग चरक सुश्रुत आदि संहिताओं में मिलता है। आसव योनियों की बात हमने की, 9 आसव योनियां हम लोग देखे लिए, कौन कौन से होते हैं, धान्य फल मूल सार पुष्प कांड पत्र त्वक और शर्करा, ये 9 आसव योनियां हैं। और आसव की संख्या से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आचार्य चरक का के अनुसार कुल आसवों की संख्या कितनी है, अपरिसंख्ये, और पथ्यतम आसवों की संख्या कितनी है, 84। श्लोक में भी हम देख सकते हैं पहली लाइन लिखा है द्रव्य संयोग करण तो अपरिसंख्ये आशु, मतलब द्रव्य संयोग की भिन्नता से अपरिसंख्ये होते हैं, मतलब अलग अलग ड्रग अगर मिलाया जाए तो उससे अलग अलग तरह के अनेकों अनगिनत आसव बनाए जा सकते हैं। लेकिन आगे लिखा है यथ पथ्यतम नाम आसवा नाम चतुर्शीतिम निबोध, मतलब इनमें से जो पथ्यतम आसव है, बेस्ट आसव है, वो कितने हैं, चतुर्शीतिम, चतुर्शीतिम मतलब 84 होता है, तो 84 आसव जो है वो बेस्ट है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये कम्पिटेटिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आसव की योनियां कितनी होती हैं, 9 होती हैं। आसव की संख्या कुल कितनी है, अपरिसंख्ये है। पथ्यतम कितनी है, 84। अब ये जो 84 आसव की योनियां हैं, इनमें अलग अलग जो हमने 9 योनियां पढ़ी हैं, किससे कितने होते हैं इसको देखना इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना भी जरूरी है। ये कंपटीशन में खूब पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में कि 84 में धान्य आसव कितने हैं, धान्य से बनने वाले जो चरक ने बताए हैं वो 6 बताए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख रहे हैं, धन का 6 हो गया, धन का 6 हो गया, क्योंकि अभी तो बहुत इजी लग रहा है, बाद में इतनी सारी चीजें होती हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ध्यान नहीं रहता है, तो उसको ध्यान रखने के लिए हम लोग याद रख सकते हैं। धान्य आसव 6 होते हैं, मतलब धन का 6 हो गया। सार आसव 20 होते हैं, शराबी अगर याद कर लें तो 720 हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, 720। पत्र आसव 2, पत्र 2, किसी को लेटर देना है पत्र 2 तो याद रख सकते हैं, पत्रासव जो होता है 2 होता है। फलासव 26, हम लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो भारत को संविधान का फल मिला था वो 26 जनवरी को मिला था, तो फलासव 26 होते हैं। पुष्पासव 10 होते हैं, पुष्पासव, पुष्पा, पुष्पा कोई लड़की है वो 10 बैच की है, तो पुष्पासव 10 होते हैं। त्वगासव 4 है और कांड आसव भी 4 है, तो हम लोग याद करें 4 बजे तक कांड, 4 बजे तक कांड अगर याद कर लें, 4 बजे तक कांड हुआ कहीं पे, तो 4 क्या क्या है, तक मतलब त्वग आसव और कांड मतलब कांड आसव। मूल आसव 11 है, मूल हमेशा 11 सीधे जाता है। कांड आसव 4 है और सरकरा आसव 1 है, सरकरा को गन्ना से कोरिलेट कर लें अगर तो गन्ना सीधे ही होता है, अकेला रहता है तो 1 याद रख सकते हैं, सरकरा आसव 1 होता है। तो इस तरह से ये जो 84, इन सबको जोड़ेंगे तो 84 होगा, 84 पत्र। सर इसे रिपीट कर दीजिए